दोस्तों, हम लोग महिंद्रा कंपनी का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम सब ने कम से कम एक बार इस गाड़ी में सफर जरूर किया होगा। महिंद्रा ने अपने हाथ और भी प्रोडक्ट्स में फैला रखे हैं और ये वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक हैं। तो चलिए जानते हैं महिंद्रा कंपनी का सफर। 1892 वो साल था जब लुधियाना पंजाब में जन्मे जगदीश चंद्र महिंद्रा, इनको जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था, ये अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से की। उन्होंने अपने पिताजी को कम उम्र में खो दिया था और इसके बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेसी पर आ गई थी। जेसी महिंद्रा पढ़ाई को काफी इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने अपने भाई बहनों को बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया। 1929 में जेसी महिंद्रा की जॉब सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर टाटा स्टील कंपनी में लगी। यहाँ उन्होंने 1940 तक काम किया। बाद में उन्होंने टाटा कंपनी की जॉब छोड़ दी और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर वो इंडिया के टॉप स्टील कंट्रोलर बन गए। 1945 में भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और जगदीश जी को पूरा यकीन था कि भारत अपनी आजादी पा लेगा। उनका ध्यान सिर्फ इंडिया की आजादी पर ही नहीं था बल्कि भारत की डेवलपमेंट पर भी था। उनको पता था कि डेवलपमेंट के लिए स्टील कितना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने उसी साल अपना घर बेचकर अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा, जो कि सीओएल कमीशन के चेयरमैन थे, और अपने फ्रेंड मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की स्थापना की। 1947 में इंडिया को आजादी मिली और पार्टीशन भी हुआ। उसी पार्टीशन में मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। बाद में 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदल के महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी काफी अच्छा काम कर रही थी और अपने पैर स्टील इंडस्ट्री में जमा चुकी थी। 1951 में जेसी महिंद्रा की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, मगर उनकी कंपनी रुकी नहीं और विकास करती रही। बाद में उनकी कंपनी को इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मौका मिला और जीप का लाइसेंस मिला और फिर वो जीप के पार्ट्स जोड़ने लगे और जल्दी ही इंडिया के जीप मैन्युफैक्चरर बन गए। उसके कुछ समय बाद कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स भी बनाने लगी। कुछ ही समय में सेल्स के मामले में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी वर्ल्ड के नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी बन जाती है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा चला रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने एमबीए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से करा है। पिछले कुछ सालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फॉरेन मार्केट और नई इंडस्ट्रीज में काफी इंटरेस्ट दिखाया है और पिछले 10 सालों में ये 35 से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर चुकी है। महिंद्रा को सिर्फ बस, ट्रक, एसयूवी और ट्रैक्टर निर्माता के नाम से नहीं जाना जाता बल्कि इसके पोर्टफोलियो में 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, जैसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, क्लब महिंद्रा, टेक महिंद्रा, जावा मोटो, फर्स्ट क्राई, स्वराज ट्रैक्टर्स जैसी बहुत सारी कंपनीज। महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आज जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनीज भी होती, मगर टाटा कंपनी ने ज्यादा बेट लगाकर उन कंपनीज को एक्वायर कर लिया। महिंद्रा के पास अपनी दो रेसिंग टीम भी हैं, जिसका नाम महिंद्रा फॉर्मूला ई रेसिंग टीम और महिंद्रा मोटो 3 रेसिंग टीम है, और ये दोनों ही टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। महिंद्रा कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के महिंद्रा टावर्स में है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में 100 से भी ज्यादा देशों में 1,00,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। आज के समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की नेटवर्थ 11 अरब डॉलर्स है और अकेले आनंद महिंद्रा की नेटवर्थ 1.5 अरब डॉलर्स की है। आनंद महिंद्रा एक बहुत अच्छे लीडर साबित हुए हैं, उनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं और वो एशिया के टॉप 25 मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक हैं। 1996 में उन्होंने नन्ही कली नाम से एक एनजीओ की स्थापना की जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता है। वो उससे काफी प्रसिद्ध हुए और आज उस फाउंडेशन में 70,000 से ज्यादा नन्ही कलियों को पढ़ाया जा रहा है। आनंद महिंद्रा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी एक रेगुलर मेंबर हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिंद्रा को जो सफलता स्कॉर्पियो और बोलेरो ने दिलाई, शायद ही कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा कर पाएगा। आज भी कई लोग महिंद्रा को सिर्फ स्कॉर्पियो और बोलेरो के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।